मेरे साथ मौजूद हैं कुछ विकास भाई के कजन साहब। अपना अपना नाम बताएं पहले। सर नाम बताओ। दोस्तों मैं हूं फराज और आप देख रहे हैं अपने जिन आरएफ के ब्लॉग। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त हैरानियत से होंगे। दोस्तों आज मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो कॉलेज मेट, उसकी आज शादी है तो उनसे मैं मुलाकात कराता हूं जी। ये हैं हमारे वकास साहब जो आज बनने वाले हैं दूल्हे मियां। सर कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं तैयार होना है तो तैयारी के बाद इनसे कराते हैं आपकी मुलाकात, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो मेरे साथ मौजूद है कुछ वकास भाई के कजन। जी भाई अपना नाम बताइएगा पहले आप। मेरा नाम है समीर इकबाल। ठीक है, वकास मेरा कजन है, आज उसकी बारात है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, अभी उसको दूल्हा बनाएंगे। जी भाई आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद नजीम। वकास मेरा कजन है, आज उसकी बारात है, हम उसको दूल्हा बनाएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर आप कुछ डिफरेंट बताना। मेरा नाम हैदर अली है, जैसा कि ये भी कजन है, मैं भी कजन हूँ। ठीक हो गया, बस आज बर्बादी है उसकी। ठीक है जी, ये हमारे कैमरा मैन है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा। छड़ के मैं जाना तेरे दूल्हे मियां तैयार हो चुके हैं, चेक कर सकते हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़े प्यारे लग रहे हैं हमारे वकास भाई। तो अभी इनकी सेहराबंदी की रस्म कंप्लीट हो चुकी है वकास भाई की। तो वकास भाई आज आप अपनी फीलिंग्स का कुछ इजहार करना चाह रहे थे तो जरा बताइएगा। आज बहुत ही खुशी का दिन है, बरसों का इंतजार था, आज जा रहे हैं दुल्हन लेने के लिए। माशाल्लाह जी, आज आपका इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, कुछ घड़ियां बाकी हैं। आज हमारे वकास भाई का निकाह है तो उस वाले से भी हाफिज साहब कुछ हमें बताना चाहेंगे। निकाह जो है आकल बालक है। ठीक हो गया, बच्ची बागल बालक हो उसका निकाह जायज है, ना बालक बच्ची का निकाह भी जायज नहीं है। सही हो गया, अगर लड़का भी ना बालक है तो उसका निकाह भी जायज नहीं है। सही है, ख्याल रखना चाहिए, इन दोनों की मर्जी होनी चाहिए, इनकी मर्जी के बगैर भी निकाह नहीं है। ठीक हो गया, बच्ची जवान है अगर वो मंद है तो वो शादी कर सकती है, बगैर मर्जी के शादी कर सकती है। दिया के कुछ
जॉन सीना उसी या गुड़ी रानी उसी ਬੜੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਾ ਕੱਢੀ ਜੜਾ